उससे पहले ये था कि हमारे साथ बहुत सारे लड़के, जुहेब एक लड़का था, जुहेब काजी हमारे साथ, उमर सुल्तान एक लड़का था, और फिर दो बैंड मेंबर्स हमारे और बहुत ही सीरियस लेवल पे आए थे, शहजाद मुख्तार और आसिफ मुजाहिद। अब सिर्फ अनफॉर्चुनेट एक बात ये थी कि सबको अपने डोमेस्टिक एक एक किसी इशू की वजह से इस चीज़ को कैरी ऑन करना थोड़ा मुश्किल था। तो ये था कि होते होते सारे कोई कहीं चला गया, कोई किधर चला गया, तो बैंड में इवेंचुअली फिर मैं और माज ही एक दूसरे की शक्ल देखने हो रह गए थे। मासूम से हम खुशियों भरे इन तितलियों के संग उड़ते चले, जाने कहाँ ये सब खो गए, अब ये दुआ है यूं ही रहे हम मिलकर सभी, छूटे न अब ये साथ कभी। उसके बाद तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 साल पहले जाके राहील से हमारी मुलाकात हुई थी। इसी तरह के अंडरग्राउंड गिग्स हम लोग कर रहे होते थे, तो वहाँ ही यूज़ टू प्ले विद अ कपल ऑफ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट एट दैट टाइम। तो उधर राहील ने फिर मुझसे बात की थी कि यार कुछ करते हैं साथ, एक एक दो जैम्स करते हैं। मैंने कहा श्योर, अच्छी बात है। वी वर ऑल्सो इन सर्च ऑफ अ गुड म्यूजिशन जो हमारे बैंड की जो स्पेसिस थी वो फिल कर सकता। तो राहील के साथ हमने एक दो गिग्स बजाए और दे वेंट क्वाइट गुड। तो वहाँ से फिर राहील की भी एक इंटरेस्ट हम लोगों को नज़र आया, हमारा भी इंटरेस्ट था, तो वी इमर्ज्ड इन द होल थिंग। उसके बाद से हमारे पास अभी तक कोई ना आया है ना गया है। तो ये था कि दैट वाज एक्चुअली वेयर द होल बैंड केम इन इनटू बीइंग प्रॉपरली। वो एक प्रॉपर शक्ल जो बैंड को आई थी वो आज से समझ लें कोई 3 साढ़े 3 4 साल पहले शक्ल बनी थी। तो उसमें यह था कि उसके बीच में आई वॉज वर्किंग ऑन प्रोफेशनल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, अदरवाइज मैं जिंगल्स कर रहा था। जिंगल्स के अलावा मैं 2003 में मोस्ट प्रॉबली मैंने PTV नेशनल अवार्ड्स के का जो 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 उनका प्रोग्राम होता था हर हर साल, उसके मैंने 4 माइम्स थे उनका म्यूजिक दिया था पूरे का पूरा। दैट वॉज प्रॉबली वन ऑफ द बिग ब्रेक्स दैट आई गॉट इन टू द इंडस्ट्री कमर्शली। वो कर रहा था, उसके साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता आई गॉट इन टू द कमर्शियल साइड, जिंगल्स किए। फिर ये कि अब आके जिंगल्स मैंने ज़रा छोड़ दिए बिकॉज द एल्बम इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो उसके अलावा ड्रामा स्कोर्स किए थे, 3 4 मैंने तकरीबन ड्रामों के स्कोर किए थे, उनका बैकग्राउंड किया था। तो बेसिकली ये था कि काम म्यूजिकली मेरा शुरू से ही काफ़ी स्टेबल लेवल पे चल रहा था, बट सिंगिंग का जहाँ तक ताल्लुक है वो मेरे ख्याल में मैंने अपना ही आप एज अ सिंगर कोई 4 5 साल पहले डिस्कवर किया था।